तो गाइस अभी होटल के बाहर आ चुके हैं। ये होटल है ट्रॉल किचन के नाम से कुछ। अभी अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं कैसा माहौल है। यो गाइस देखो कितना बड़ा रोड बन रहा है, पूरा हैंग कर दिया सिस्टम गाइस, पूरा गुड़गांव में जाम कर दिया। इतना बड़ा रोड है गाइस, मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा रोड। तो गाइज अभी फिलहाल बचे हुए हैं सुबह के 8 और गाइज अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि आज भी हमारी एक मीटिंग होने वाली है जनकपुरी ब्रांच में, जो कि आज LIC की होने वाली है। तो उसके लिए भी काफ़ी लोग बाहर से आने वाले हैं ट्रेनिंग देने के लिए। गाइज आज का भी काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है, लगभग 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। आज भी होटल बुक किया गया है, जैसे पहले जो मीटिंग गए थे ना उससे भी अच्छी शायद मीटिंग होने वाली है। आज काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, काफ़ी अच्छे लोग आने वाले हैं, काफ़ी बड़े लिखे लोग आने वाले हैं। तो फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बाल बाल नहीं घड़े गए थे, अभी खाना वाना तो बना दिया है, अभी खाया नहीं है। अभी भैया पूजा कर रहे हैं, उसके बाद पूजा करने का जब खाएंगे। ठीक भैया तो अभी पूजा कर रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ अभी। गाइज अभी खाना वाना तो खा लिया है, अभी गाय को रोटी देने जा रहा हूँ, यहीं पड़ोस में गाय रहती है तो यहीं बराबर में दे देता हूँ रोटी भी। गेट लगा हुआ है, इसी पॉलिथीन में डाल देते हैं क्योंकि सब लोग यहीं रख जाते हैं गाइस। मकान मालिक जब आएंगे वो खिला देंगे उतार के। डॉग देख रहा है अपने खाने के लिए, खा मत जियो भाई। तो गाइज अभी निकलने वाले हैं, 10-15 मिनट में निकल जाएंगे अब, इसके लिए मीटिंग अटेंड करनी है आज। बाकी देखो भैया ने अभी यहाँ योगा करने गए थे, यहीं छोड़ दिया ये। तो गाइस भैया रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुका हूँ अभी ऑफिस निकलने के लिए। तो गाइस अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तैयार हो चुके हैं, बैग वैग ले लिया है, बाइक की बाइक ये खड़ी है, ताला लगा दिया भैया। तो गाइज अभी मेन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, इसी मेट्रो स्टेशन के नीचे एक होटल है, उसी में हमारी मीटिंग होने वाली है, तो फटाफट से वहीं चलते हैं। तो गाइज अभी होटल के बाहर आ चुके हैं, ये होटल है ट्रॉल किचन के नाम से कुछ। अभी अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं कैसा माहौल है। गाइज देखिए यार लग्जरी होटल, गाइज क्या होटल है यार। भैया तो फिलहाल बात कर रहे हैं, देखो लाइटिंग वाइटिंग कितनी मस्त लगी हुई है। अभी फिलहाल हम इधर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मीटिंग उधर होने वाली है साइड में, अभी थोड़ा वहाँ सफाई वगैरह हो रही है तो इसलिए यहाँ बैठ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में पतला जाएंगे अभी। तो गाइस अभी मेन लोकेशन पे आ चुके हैं, यही हमारी मीटिंग होने वाली है। सारे में कुर्सी लगा दी गई हैं, टेबल लगा दी गई है, पानी वानी वगैरह लगा रहे हैं, अभी और लोग भी आने वाले हैं, पूरा हॉल बढ़ जाएगा। तो गाइस अभी हमको एक रैपर और एक पेन एक डायरी से मिल चुकी है, ये डायरी सब लोगों को मिलेगी जो भी यहाँ आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं और गाइस देखो हमको एक एक डायरी और मिली है मोटी वाली, एक भैया को मिली है, एक मेरे को मिली है और बाकी सब लोगों को मिली है। तो गाइस अभी आते ही स्नैक्स ले लिए हैं नाश्ते में, बाकी मीटिंग के बाद खाएंगे। तो गाइस ये हॉल टाइप का एक बाहर का खुला एरिया है जहाँ पर हम खाना करेंगे मीटिंग अटेंड होने के बाद में। तो भाई लोगों मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो मीटिंग हमको प्रोवाइड कराने आए हैं ना वो यही हैं जिनकी मेला पड़ी हुई है, ये लोग स्वागत कर रहे हैं इनका। सबसे सस्ता प्लान, एक चाय में प्लान, एक चाय छोड़ो कैंसर प्लान मिल जाता है। अभी देखिए जो उड़ीसा में हुआ था वो जो रेल दुर्घटना हुई थी, आप देखिए उसमें 280 लोग थे, 288 लोग, आपको मालूम है उसमें से कितने लोगों ने बीमा कराया था? 16, केवल 16 लोगों, और कितने का? 1.5 लाख का। उन्हें क्या मिला? 3 लाख। क्या 3 लाख पर्याप्त था उनके परिवार के लिए? हैं? सोचिए कितनी बड़ी चीज है।
तो गाइज मीटिंग तो खत्म हो चुकी है, अब फिलहाल सारे लोग खाना खाने आ चुके हैं, मैं भी अपना खाना लेकर आ चुका हूँ, 3 रसगुल्ले लेकर आया हूँ और पनीर की सब्जी और रोटी वगैरह लेकर आया हूँ। तो गाइज फाइनली मीटिंग तो एंड हो चुकी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा कुछ सीखा हमने। तो फाइनली अभी निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी एक मीटिंग है, कुछ लोगों से बात करनी है, वहीं चलते हैं फटाफट से। भैया आगे जा रहे हैं, बाइक हमारी आगे पार्किंग में खड़ी हुई है। तो गाइज अभी हम कापा सड़ा पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ना काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफी बड़े बड़े रोड बन रहे हैं गाइज, कम से कम 5-6 बीघा चौड़ाई होगी, 5-6 बीघा की। और गाइज और तो और इसमें ना नीचे अंडरग्राउंड में भी काम चल रहा है, देखो आप देखो उस साइड में ये जो RCC पड़ी हुई है ना, इसके अंदर भी रोड है गाइज, और देखो इधर भी जेसीबी काम चल रहा है, और देखो इधर लेंटर सा पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी काम चल रहा है गाइज। और देखो इसी के साइड में जस्ट देखो एरोप्लेन खड़े हुए हैं, यहीं पे है एयरपोर्ट। यो गाइस देखो कितना बड़ा रोड बन रहा है, पूरा हैंग कर दिया सिस्टम गाइस, पूरा गुड़गांव में जाम कर दिया, इतना बड़ा रोड है गाइस, मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा रोड, और गाइस वो भी एयरपोर्ट के बराबर में भाई, पूरा सिस्टम हैंग है गाइस। तो गाइस अभी मैं कापासेड़ा आ चुका हूँ, अभी रोहित सर की मेडिकल की शॉप पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि भाई चले गए अकेले गुड़गांव, मेरे को नहीं लेके गए हैं, तो फिलहाल अभी 1-2 घंटे यहीं रुकूंगा मैं, उसके बाद भैया आएंगे फिर जाएंगे अपने घर। तो गाइस शाम के 7 बज चुके हैं, भैया भी आ चुके हैं, भैया अभी शॉप पे बैठे हुए हैं, अभी फटाफट घर के लिए निकलते हैं। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, और अभी टाइम गाइस 9 बज चुके हैं, गाइस ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द है मेरे, पता नहीं क्यों हो रहा है, काफ़ी तकलीफ से हो रही है, आराम करना पड़ रहा है अभी तो मेरे को गाइस, प्रेस भी करनी है क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है 9 बजे ऑफिस के लिए, तो प्रेस करनी है। बाकी गाइस पूजा तो कर दी है, लेकिन मेरा भी सिर दर्द है। बाकी गाइस भैया तो अभी दूध लेने गए हैं, लगभग 2 आधे घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि वो घूमने भी गए हैं, वो भी कह रहे थे कि शाम को घूमने जाना है मेरे को, बस वैसे गाइस वो डेली सुबह को भी जाते हैं, तो आज वो गाइस रिमोट गिर गया, टूटा तो नहीं है, बच गया गाइज, बेस्ट ऑफ लक। तो गाइज बस इसी के साथ आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आज का व्लॉग आपने खूब इंजॉय किया होगा, मैंने तो काफ़ी अच्छा किया, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।